व्यूअर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की कढ़ी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कम चीज़ों से तैयार होने वाली और बहुत टेस्टी बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देगची को रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटी चम्मच राई, ये 3 साबुत लाल मिर्ची और 10 से 12 कड़ी पत्ता। थोड़ा सा इसको हम सॉटे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसलिए कि मेथी अगर जल जाएगी तो फिर ये कड़वी हो जाती है। तो बस जब अच्छी सी खुशबू आ जाए तो जब हम इसमें लहसुन को डालेंगे, ये सिर्फ लहसुन में बनेगी और अगर कुछ लोग जैसे लहसुन नहीं खाते तो वो इसमें प्याज डाल सकते हैं, मैं इसको सिर्फ लहसुन में बनाऊंगी। तो थोड़ा सा भूनेंगे, लहसुन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ यूं हैं। ये 1/2 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्ची डाली किसी भी, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया है पिसा हुआ और 1 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाला। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है और ये 1 चम्मच हल्दी है। थोड़ा भूनेंगे मसाले को, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। जब तक के हमारे मसाले भुन रहे हैं हम थोड़ी आग को हल्का कर देंगे। जब तक मसाला भुन रहा है तो हम दही और बेसन तैयार कर लेंगे। 3 कप दही है, वजन में ये 1/2 किलो है। इसको हम डाल के दही को जग में, और ये जिससे लस्सी बनाते हैं ना, इससे हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। अभी हम इसमें बेसन ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारे पास 1 कप बेसन है, 1 कप है मेजरिंग वाला। आपके पास जो भी कप हो, चाय वाला या जो भी कप आपके पास हो, आप उसमें नाप सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे इसमें। अभी हम बाकी का दही भी इसमें डाल देंगे। और जो बाकी का बेसन है वो भी। ये हमने 1 कप बेसन लिया था और इसमें तकरीबन हमने 3 कप दही है जो वजन में 1/2 किलो है, हमने इसमें डाला है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे। अब हम इसमें इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी और ऐड करेंगे। अभी
अभी मसाला देख लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब जो पानी डाला था वो देखते हैं इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे तरीके से मसाला भुन गया है। अब जो हमने बेसन और दही को मिक्स करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे और उसको हम छान के डालेंगे ताकि अगर कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। डालेंगे उसी जग में हमने डाला है पानी, तकरीबन हमने 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड किया। एक उबाल आने तक हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये उबल ना जाए, फिर हम इसको हल्की आग पे पकाएंगे। एक उबाल आने तक वेट करते हैं। ये जब तक हमारा बेसन पक रहा है जब तक हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए हमने 3 प्याज लिए जो हमने ये इस तरह चॉप किए जैसे ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं। 1 मुट्ठी धनिया है, आप अपनी मर्जी से ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। और ये 3 हरी मिर्ची हैं जो हमने बिल्कुल बारीक इस तरह कट कर ली है, ये भी आप अपनी मर्जी से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये कुछ खुश्क मसाले हैं जिसमें ये 1.5 चम्मच लाल मिर्ची है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच ये सूखा धनिया है कुटा हुआ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी अजवाइन, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों के अंदर, और ये 2 चम्मच कसूरी मेथी है। ये पकौड़ों की जान होती है, इससे अच्छी खुशबू आती है और बहुत जबरदस्त टेस्ट भी आता है, इसको जरूर डालें। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप बेसन है, ये 1.5 कप। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका थोड़ा थिक बैटर तैयार करेंगे, बिल्कुल पतला नहीं करेंगे। अगर हम बैटर को पतला करेंगे तो पकोड़े बिल्कुल फैल जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो थोड़ा थिक होता है तो बिल्कुल गोल पकोड़े, अच्छे पकोड़े बनेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच और पानी डालेंगे, पानी कम लग रहा है। फिर
हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे भी तो ये और पतला हो जाता है। इसमें नमक मिर्ची आप सब अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा बेसन तैयार हो गया, पकौड़ों के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह हम इसको ढक के साइड पे रखते हैं और चलते हैं कड़ी की तरफ। ये देखिए कड़ी में भी उबाल आ गया है, ये पक रही है हमारी कड़ी। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे पकेगी खुद ही कम होती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी। तो अभी हम दूसरे चूल्हे पे इसको हल्की आग पे रख देंगे और इस पे हम पकोड़े बनाएंगे। तो दूसरे चूल्हे पे हल्की आग पे रखेंगे, तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हल्की आग पे पकेगी तो बेसन अच्छी तरीके से पक जाएगा, फिर इसमें कच्चे बेसन की स्मेल नहीं आएगी। तो इसको हम 30 से 40 मिनट तक हल्की आग पे पकाएंगे ढक्कन देके। तो अभी हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर करते हैं। अभी हम ढक के दूसरे चूल्हे पे रख देंगे बिल्कुल हल्की आग। जब तक के बेसन पक रहा है तो हम यहाँ पे पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़ों के लिए हमने कढ़ाई रखी है, उसे हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब तक गर्म होगा, बेसन भी हमारा जब तक पकोड़ों के लिए जो हमने बैटर तैयार किया है वो भी थोड़ा सेट हो जाएगा। अभी ये हमारी कढ़ी देखिए काफी उबल गई है, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक पहले इसलिए नहीं डाला था कि जब नमक डालते हैं तो ज्यादा उबलती है कढ़ी, तो इस वजह से नमक हमने ऐड नहीं किया था, अभी हम करेंगे। तो अभी नमक ऐड हमने कर दिया है और ये देखिए इतनी जबरदस्त पक गई है और हल्की हल्की गाढ़ी भी हो रही है। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे। जब तक के कढ़ी यहाँ पक रही है हम पकोड़े बनाएंगे। अभी तेल गरम हो रहा है, हमने मीडियम आग पे रखा है ऑयल। ऑयल को चेक कर लेते हैं गरम हुआ कि नहीं। जब ये हमारा बेसन ऊपर आ जाएगा तो समझो कि ये गरम हो गया। तो अभी ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। फ्लेम मीडियम हाई पे है, अभी पकोड़े बनाते हैं। फ्लेम को थोड़ा हम मीडियम ही रखेंगे, लेके ज्यादा तेज हो गया तो फिर पकौड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि फ्लेम मीडियम होना चाहिए ताकि अंदर तक सही तरीके से पके पकौड़े। देखिए एक साइड पक गई है, अब हम उसकी साइड चेंज करेंगे। आग को आपने ज्यादा तेज नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम ही रखना है। ये देखिए पकोड़े हमारे तकरीबन तैयार होने वाले हैं, दोनों साइड से अच्छे तरीके से सिक गए हैं। अभी हम थोड़ा कढ़ी को भी देख लेते हैं। ये देखिए कढ़ी को कितनी जबरदस्त, ये देखिए पक रही है और कलर भी देखिए कितना जबरदस्त है। तो
इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए, अभी काफी गाढ़ी हो गई है। और हमारे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। बन के देखें, अब हम इसी तरह दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ऑयल ठंडा हो गया होगा। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, साइड चेंज कर देंगे। जब तक पकाएंगे, जब तक कि अच्छा सा कलर ना आ जाए गोल्डन ब्राउन। ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया पकौड़ों का, तो अभी हम इनको भी निकाल लेंगे। बाकी का बेसन है उसके भी पकौड़े बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा बैच भी तैयार हो गया पकौड़ों का। अभी हम कढ़ी को भी देख लेते हैं। ये देखें कढ़ी तकरीबन तैयार है, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं कढ़ी को पकते हुए। 10 मिनट और हम इसको पकाएंगे, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। ये भी तैयार हो गए पकौड़े, अब हम इनको निकाल देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए पकते हुए, कढ़ी बिल्कुल तैयार है, हमें इसी तरह की चाहिए। और नमक में आधा चम्मच और ऐड कर रही हूँ, मैंने अभी टेस्ट किया है तो नमक मुझे कम लग रहा है।
एक चम्मच मैंने पहले डाला था, आधा चम्मच तैयार है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो चलिए पकोड़े डाल लेते हैं। अभी फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ढक्कन देके हम रख देंगे। अभी हम तड़का तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने हमने 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाला है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकौड़े बनाए हैं। अभी थोड़ा गर्म होगा तो हम इसमें 4 से 5 लाल वाली मिर्ची डालेंगे तड़के के लिए। जब ये थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम जीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे। जब मिर्ची ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें कड़ी पत्ता और जीरा डालेंगे। और जब कड़ी पत्ता और जीरा डालो तो थोड़ा पीछे हटके डालना और फ्लेम को थोड़ा कम कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा उछलते हैं कड़ी पत्ता, तो एहतियात के साथ इसको अभी डालेंगे। तो इसमें हमने 1 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है और 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं। तो अभी ये हमारा जीरा और कड़ी पत्ता जो है वो भी फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल वाली मिर्ची डालेंगे। तो ये हम सिर्फ कलर के लिए डालेंगे, तो जैसे हम डालेंगे डाल के फौरन हम उतार के और देगची में इसको डाल दें। अभी हम ये इसमें डालेंगे। अभी हम तड़का इसमें डालेंगे कड़ी के अंदर। ये देखिए हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखिए इतनी जबरदस्त कढ़ी हमारी तैयार हुई है। तो व्यूवर्स देखिए कढ़ी तैयार है। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।